आपने खालू को मना किया कि अभी रुखसती ना करें? बहुत दर्द हो रहा है भाई, परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये ले बेटे, दुआ का पानी है, जैसे पियोगे ना सुकून आ जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ो। जुनीद मेरा बच्चा, पानी पी बेटा, जल्दी ठीक हो जाएगा। अब जा मेरी बच्ची, जल्दी से पेन लेकर आ जा। अब्बा पेन क्यों लेकर आऊं? बस जो बोल रहा हूं मेरी बाप की बात है, चल जा और आज रास्ते से लट। पानी पी बेटा, पानी पी, ये देख। ये क्या है अब्बा? नहीं बेटा, जरूरी तो नहीं ना, आजकल के दौर में जिंदा रह के कोई कमा के खिलाने वाला? आजकल तो मरने वाले की भी कमाई खा जा सकती। अबे जल्दी से पेन लेकर आ, फोन चला कर ही मेरे को तुझे, पेन लेकर आ। देख बेटा, तू समझदार है, फिक्र नहीं कर, तेरे साथ ये पुलिस ही मैंने भी लिया। सही, अब इस घर में दो ही मर्द हैं, एक तू है, अब मैं। अब सोच हम दोनों में से किसी एक को कुछ हो जाए तो हमारे बाद इनका क्या होगा? दो जवान बेटी है मेरी, एक बेटी की रुख्सत करनी है मुझे और दूसरी की बात अभी तक तय नहीं हुई, तो मेरा पॉलिसी लेना जरूरी था बेटा। कैसे बाप है आप शराफत, हाथ नहीं लरस रहे आपके बेटे को बेचते हुए? चुप कर गया, मर गए की चुप। इनकी सोच अच्छी होती है ना, ऊपर वाला भी इनकी मदद करता है। मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे किए काम भी बिगाड़ रही है। बस सुन, अगर तूने मेरे काम में मदाखलत की कोशिश की ना, अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। ओके बेटा, साइन कर दे। साइन कर मेरे बेटा। अब्बा ये आपसे किसने कहा कि मैं इस पर साइन करूंगा? क्या मतलब किसने कहा? मैंने कहा तो साइन तो करेगा। नहीं अब्बा, मैं साइन नहीं करूंगा, इस गलत काम में मैं आपका साथ नहीं दे सकता, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को धोखे में रख के इस दुनिया से चला जाऊं। अबे कौन सा धोखा, अब पागल हो गया क्या? अब देख बेटा, आज नहीं तो कल सबको तो मरना है ना, यही जिंदगी का दस्तूर है। अब अगर मैं कल मर जाऊं तो क्या मैंने तुझे धोखा दिया? अबे शराफत अली नाम है मेरा, शराफत अली, पूरी दुनिया में मुझसे कोई शरीफ नहीं है। जबरदस्ती पॉलिसी लिया मैंने, क्या मक्कारी से छीनी उससे? अबे ये जो पॉलिसी वाले होते हैं, अबे बड़े चालू लोग होते हैं, हजारों लोगों को उल्लू बनाकर उनको पॉलिसियां भेजते हैं, और अगर कोई एक मर के अपने खानदान वालों का, अपने बाप का भला कर दे तो इसमें क्या बुराई है? इसमें फायदा किसका, नुकसान किसका है? बेवकूफ था, आप मुझे बना रहे अब्बा, क्या मैं जानता नहीं हूँ आपको? क्या मतलब? अरे नहीं नहीं पता मुझे, पता ना मुझे क्या जानता तू मेरे बारे में? सुन रहा हूँ मैं, कौन सा जहर तेरे अंदर, निकाल ना, मैं भी तो देखूं मेरी सगी औलाद मेरे बारे में क्या जानती है। Thank you. Drink, Pilu Farhan. Ek sip le lo. Meri khatir. मेरा दिल बंद हो जाएगा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बताइए ना।
देखो फरहान, तुम्हें मेरी बात बहुत गौर और तहम्मुल से सुननी हो, क्योंकि हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद तुम्हें बहुत तकलीफ हो, और होनी भी चाहिए, लेकिन मेरा यकीन करो, एक लम्हे की तकलीफ होगी और सारी जिंदगी का सुकून। पापा जी, मैं अभी भी नहीं समझा कि आप क्या समझाना चाह रही हैं मुझे। मैं समझाती हूँ। तुम्हें पता है फरहाद, अल्लाह ताला ने ना इस दुनिया में हर चीज का एक जोड़ बनाया है। क्या तुमने कभी कबूतरों को कौवों के साथ उड़ते हुए देखा है? नहीं। क्या तुमने कभी समंदर को दरिया में उतरते हुए देखा है? नहीं। क्या तुमने कभी किसी को ट्रेन की टिकट पे जहाज में सफर करते हुए देखा है? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हर चीज का एक जोड़ है। इसी तरह से इंसान की भी एक हैसियत और एक औकात होती है, और यही अगर इंसान अपनी औकात से बढ़ के जाना शुरू कर दे ना, तो उसकी बची कुछ हैसियत भी खत्म हो जाती है। मैं तुम्हारे जज्बात की बहुत कदर करती हूँ फरहान, लेकिन यकतरफा जज्बात आपको तो खुश कर सकते हैं, मगर सामने वाले को कभी खुशी नहीं दे सकते। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो फरहाद, लेकिन मेरे जैसी लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं करती। तुम्हारी अच्छाइयों की कीमत मेरी मोहब्बत तो नहीं हो सकती ना। ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है, जैसे तुम मुझे पसंद करते हो वैसे ही मैं भी तो किसी को पसंद कर सकती हूँ ना। लेकिन इंसान की पसंद, अच्छाई और मोहब्बत को एक ही तराजू में तो नहीं तोला जा सकता ना बाबा जी। यही तो मैं भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, जिंदगी भर साथ में बहाने का फैसला है, और ये एक बहुत बड़ा सच है कि मैं तुम्हारी नहीं बन सकती। अरे तुम्हारे साथ रुखसती तो दूर की बात फरहाद, मैं तो ये निकाह भी मजीद नहीं निभा सकती। सच का घूंट बहुत कड़वा होता है, लेकिन ये कड़वा घूंट पीने के बाद ही इंसान सुकून में जिंदगी गुजार सकता है। आखिरी मरतबा बोल रहा हूं, साइन कर दे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब्बा, इससे बुरा कुछ और हो भी नहीं सकता। इसका भाई जिंदा है अभी? अच्छा, सारे मुट्ठी मिला के मुझे गिराना चाहते हो? अबे दो मिनटों में तुम सबका तख्ता लौट दूंगा मैं। इतने तकद्दस वाले रिश्ते को पामाल मत करें सिर्फ अपने फायदे के लिए। इंसान की हदें तय करती हैं कि उसका अंजाम क्या होगा। अच्छा, अब तेरे लेक्चर भी सुनूंगा मैं। हाँ, चांस दे रहा हूं मैं। साइन करेगा? नहीं, ये साइन नहीं करेगा। ये सर साइन नहीं करेगा? नहीं करूंगा। साइन नहीं करेगा? नहीं। हाँ, आखिरी मरतबा बोल रहा हूँ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं करूंगा। मैं शराफत बेग अपने पूरे होशो आवास में तुझे तलाक देता हूं। अब्बा, अब्बा, अब्बा रुक जाओ। अब्बा नहीं, रख, रख। एक दिया भी अगर तू नहीं मानेगा तो और जोर देके ले जा इसे। नहीं अब्बा, नहीं अब्बा, मैं बात करती हूँ भाई, भाई कर दो ना सही। नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा बोल देते हैं,
जबान ही तो हिलानी है। मैं शराफत पे नहीं अपने पूरे होश में नहीं। अब्बा साइन करेगा? अब्बा अम्मी के साथ इतना बड़ा जुल्म मत करो अब्बा। मैं भाई को समझाती हूँ, साइन कर दे। हाँ ये भी ना अच्छी बात बेटी खाते। अरे बाप कभी तो कोई हक होता अपने बेटे पे? ले बेटा अपने अच्छे बेटे होने का सबूत दे। वैसे भी तू जी के क्या करेगा, थोड़े दिनों के बाद तो तेरी फ्लाइट है। आजकल का जमाना बड़ा खराब है साहब, घर में किसी एक मर्ज का होना बड़ा जरूरी है। क्यों वो शादी नहीं थी, वो एक कुर्बानी थी जो तुमने दो खानदानों की इज्जत बचाने के लिए दी थी, अपनी बदकिस्मती को गले लगाया था। देखो मैं कदर करती हूं तुम्हारी इस कुर्बानी की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं सारी जिंदगी के लिए तुम्हारी हो जाऊं। देखो फरहाद मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये भी एक सच है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। तुम्हारे में और मुझ में बहुत फर्क है। तुम्हारी सोच मेरी सोच, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है ना वहां से मेरी सोच की शुरुआत परवान लेती है। अब मुझे खुद बताओ क्या मुझे इस बात का हक नहीं है कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आए जिसकी सोच मुझसे भी ऊंची हो, जो मुझसे भी बेहतर हो, मुझसे भी उतना ही प्यार करे जितना मैं उससे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना फरहाद? सब कुछ समझ रहा हूं। मेरी जिंदगी का ये जो एक घंटा गुजरा है ना किसी कयामत से कम नहीं है। आप क्या समझती हैं बहन जान, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे सब कुछ समझ में आता है। जरूरी तो नहीं कि जिसे आप चाहो वो आपके नाम हो जाए। अरे सच्ची मोहब्बत तो कुर्बानी देने का नाम है, और तुम्हारी बेपनाह मोहब्बत आज तुमसे वो कुर्बानी मांग रही है। तो बताओ फरहाद, क्या तुम अपनी सच्ची मोहब्बत की खातिर ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? क्या तुम तीन अल्फाज बोल के मुझे इस मजबूरी के रिश्ते से आजाद कर सकते हो? हाँ तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम सच्ची मोहब्बत करते हो मुझसे। दिखा दो इस पूरी दुनिया को कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। तुम्हारे लिए मेरी खुशी तुम्हारी खुशी से बढ़ के है ना? और हाँ हमेशा खुश देखना चाहते हो ना मुझे? Thank you.
अब आप वफा को भी अपनी दुआ में शामिल कर लीजिए अम्मी, क्योंकि वो भी बहुत जल्द इस घर का हिस्सा बनने वाली। वो I'm sorry, मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हें क्या लगा था? यही कि दिल को दिल से राह होती है हमें, और मैं जानता हूं कि आप वफा से मिलने के बाद अपनी खुशी मुझसे छुपा रही हैं ताकि मैं प्राउड फील ना करूं। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे वफा अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी लगी। Really? नहीं कसम से, मैं जानता था अम्मी, पता है, I knew it was, वो है ही इतनी अच्छी। You know, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कोई जादू है जो जो बिना चलाए दूसरों पे चलता चला जाता है। अब देखिए, जैसे मैं, आप, भाभी, उसकी खूबसूरती, उसका अच्छा इखलाक, उसका जादू है अम्मी, कसम से, लाइक वो है ही इतनी प्यारी, सबको अपना दीवाना बना देती है जैसे मैं उसका दीवाना बन। अरे क्या हो गया है, शर्मी आ रही माँ के सामने इस तरह की बातें करते हुए? वो I'm sorry, वो मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। I'm sorry। बैठो जरा, देखो मीसम, वफा तो मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन उसकी फैमिली को तो हम नहीं जानते, और ये रिश्ता तभी तय हो सकता है जब मैं उसकी फैमिली से मिल लूं। इसलिए वफा से कहो कि अपने डैड से मिलवा दे हम। कसम से। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुबारक और कामयाब साबित करे। हर चीज की एक हैसियत और एक औकात होती है, और यही अगर इंसान अपनी औकात से बढ़ के जाना शुरू कर देना तो उसकी बची कुछ हैसियत भी खत्म हो जाती है। ये भी एक सच है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, मैं तुम्हारी नहीं बन सकती। अरे तुम्हारे साथ रुखसती तो दूर की बात फरहाद, मैं तो ये निकाह भी मजीद नहीं निभा सकती। फरहाद, फरहाद, मैंने तुम्हें कहा था ना सुबह कपड़े धुल जाएंगे, फिर क्यों कपड़े धोने शुरू कर दिए? बस रहते हुए पानी में अपने दिल के तूफान को छुपाने की कोशिश कर रहा था। क्या मतलब, क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं, अभी वो आपको कल कपड़े धोने पड़ते हैं ना, इसलिए आज तो थे। इधर देखो मेरी तरफ, क्या हुआ है बेटा, क्या बात है तुम्हारी, ये सुर्ख आंखें तो कोई और ही अफसाना बता रही है। बेटा बोलो ना, बात क्या है, वफा ने कुछ कहा है तुम्हें? फरहाद क्या हो गया बेटा, अल्लाह खैर करे, सब ठीक तो है ना? बस करो, क्या हुआ मेरे बच्चे, आओ 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 आओ, चलो वफा नाम है मेरा, जो भी मुझसे एक दफा मिलता है फैन हो जाता है मेरा, यकीनन तुम्हारे भैया भी हो जाएंगे। वफा, आल कॉलीवाक, अब क्या हो गया? शर्मी
तुम्हारा जमीर चीखा नहीं, तुम्हारे हाथ नहीं कांपे अपने भाई का सौदा करते हुए, अपने बाप को बहकाते हुए अपनी माँ का ख्याल नहीं आया तुम्हें, बीमा पॉलिसी का मशवरा दे दिया अपने बाप को, इससे तो बेहतर था अपनी माँ को जहर दे देती तुम। किस खुशफहमी में आ? क्या किया क्या है आपने आज तक मेरे लिए जो इतना रोब जमा रही है मुझ पे? मेरी एक बात कान खोल के सुनो, नहीं गुजार सकती मैं, नहीं गुजार सकती अपनी सारी जिंदगी आपकी तरह खुद को चूल्हे में झोंक के। नफरत है मुझे ऐसी जिंदगी से, लानत भेजती हूँ इस पे। मुझे पैसा चाहिए, ताकत चाहिए। पैसे और ताकत से झूठी औकात तो बनाई जा सकती है वफा, आखिरत नहीं बनाई जा सकती। मत भूलो हुकूक के लिए बात को तुम। अरे पहले अपने हुकूक तो अदा कर ले हमारे लिए। बकवास बंद करो अपनी, बहस नहीं करने आई हूं मैं तुमसे। वफा चंद पैसों के लिए तुम अपना जमीन बेच दोगी? बेइज्जती के मीनार खड़े करोगी अपने सामने? लोग पत्थर बरसाएंगे तुम पर, पत्थर। बेइज्जती का तीर तो अब चल चुका है, और जिस इज्जत की आप बात कर रही है ना, वो पैसे से शुरू और पैसे पे खत्म होती है। इसके बीच में कुछ भी नहीं आता सवाए मुफलसी और गुर्बत के। हम भी तो लड़ रहे हैं गुर्बत। बस कर जाए, मेरे अंदर ना बिल्कुल हिम्मत नहीं आपका लेक्चर सुनने की। और जो थप्पड़ आपने मुझे मारा है ना, इसका जवाब मैं आपको बहुत अच्छे से दे सकती हूँ अपने अब्बा को यहाँ बुला के। लेकिन अगर लिहाज कर रही हूँ ना, तो सिर्फ इस बात का कि माँ है आप मेरी। इसलिए बेहतर ये होगा कि खुद ही यहां से चली जाए। आपकी इज्जत आपके खुद के हाथ में इस वक्त। जाए, आई सेड लीव। अब्बा पर करें, अब्बा पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी। Calm down, Wafa. हाँ मीसम, सॉरी वो एक फ्रेंड आ गई थी। तो क्या बात कर रहे थे हम? फरहाद कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ मुझे, आखिर हुआ क्या है? वफा ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं वफा, वफा जी ने तो कुछ 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 नहीं कहा। मैं तो चुनीत की वजह से परेशान हूँ। मेरे अल्लाह अपना रहम कर। अम्मी चुनीत बहुत बीमार है, इसकी वजह से मेरा दिल भरा है। ऐसे कीमती चीज खोने के डर से इंसान खौफजदा हो जाता है। बस उसी खौफ से गुजर रहा हूं। बेटा तुम्हें मजबूत बनना है, अगर तुम इस तरह हिम्मत हार दोगे तो जुनैद के घर वालों का सहारा कौन बनेगा? जुनैद से मैंने वादा किया था कि उसके घर वालों का हमेशा ख्याल रखूंगा। वक्त का तकाजा भी यही है, होना भी यही चाहिए, और इस वक्त उन लोगों को हमारी जरूरत भी है। अल्लाह खुश रखे तुम्हें, हर वक्त दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते रहते हो, हर बुरी नजर से महफूज रखे तुम्हें अल्लाह ताला। हाँ खुर्रम, मेरी बात हो चुकी है ओनर से, तुम एक काम करो तो मेरी फ्लाइट करवा दो, और जब कंफर्म हो जाए ना तो मुझे बता जरूर देना, ठीक है? हाँ चलो, ओके बाय। वालेकुम सलाम। असद भाई अच्छा होता है कि आप भी कल रात घर पे होते, एक दफा वफा से भी मिल लेते।
मेरे भाई मेरे मिलने से क्या होता, फैसला तो मम्मी ने करना था ना। मम्मी को तो वफा बहुत पसंद आ गई है। इनफैक्ट मम्मी कह रही थी कि जल्दी से हम वफा के फादर से मिल लें और बात पक्की कर लें। वफा के फादर से याद आया, वो दुबई में रहते हैं राइट। लेकिन आप ही पूछ रहे हैं। मैं तुम सब लोगों को गुड न्यूज देने ही भूल गया, हमारी कंपनी दुबई में भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया। श्रीदी ब्रांड, कांग्रेचुलेशन। उसी को फाइनलाइज करने जा रहा हूँ, सो लेट्स सी। मैंने सोचा टाइम निकाल कर वहाँ वफा के फादर से भी मिल लूंगा। या असद भाई, वाकई बहुत मुबारक हो आपको, ये तो बहुत खुशी की बात है। लाइक कांग्रेट्स यार। थैंक यू। अल्लाह मेरी बच्चे को और तरक्कियां दे। आमीन। दादू थोड़ी दुआएं चाचू को भी दे दें, आफ्टर ऑल दुल्हा जो बनने वाले हैं। एक सेकंड। हाँ खुर्रम, चलो ठीक है, हो गया ना फ्लाइट, क्या टाइम है? चलो ठीक है, थैंक यू, ओके बाय। वैसे कब की फ्लाइट कंफर्म हुई आपकी? कल सुबह की। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि तुम वफा से उसके फादर का एड्रेस ले लेना। मैं सोच रहा था कि उनके लिए कुछ तोहफे तहफ भी लेकर चला जाऊँ, है ना। और वफा से लाजमन ये कहना कि वो अपने फादर को मेरे बारे में बता दे कि मैं मिलने के लिए आऊँगा। हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं यार, यू नो व्हाट, डोंट वरी अबाउट इट, मैं डेफिनेटली बता दूंगा उसे। बाय द वे, मम्मी कह रही थी कि वफा और मीसम की मंगनी के बजाय हम डायरेक्ट निकाह कर देते हैं। हाँ बे, हमारे खानदान में मंगनी रास नहीं आती। मैं तो कह रही हूँ सादगी से निकाह करें और फिर रुख्सती कर लें। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर शादी की तैयारियां शुरू की जाए। बड़ी जल्दी आपके बेटे को मम्मी। जाहिर सी बात है जल्दी है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार तो नहीं आती ना, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अच्छा भाई, अगर आप लोग एग्स नहीं खा रहे तो फिर मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। प्लीज। थैंक यू बाय ऑल मींस। चाचू ने पिच पे पोजीशन ले ली है, वहां शिजा आप ही बॉल कराने को तैयार। अब देखना यह है कि बॉल छक्के पे जाती है या फिर आउट होने की आवाज सुनाई देती है। रेडी? एक सेकंड। यार ये चीटिंग है वैसे, किस किस्म के अंपायर हो तुम? शिजा बीबी, शांजिया मैडम आई है, भेज दो। क्या हो गया शिजा, ये क्या हालत बना रखी है? इतने दिनों से यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही हो। क्योंकि यूनिवर्सिटी जाने का मेरा कोई मूड नहीं। यूनिवर्सिटी ले जाने में तो मैं आई भी नहीं हूँ। मतलब ये कि हम शॉपिंग पे जा रहे हो, मेरी गाड़ी खराब है तो तुम ड्राइव करोगी और तुम्हारी गाड़ी में जाएंगे। बिल्कुल नहीं, तुम कैब बुक कराओगी और खुद ही जाओगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं कोई कैब बुक नहीं कराऊंगी, हम जा रहे हैं और अभी जा रहे हैं। चलो ना उठो ना तैयार हो ना, प्लीज। नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। तुम मुझे जितना डांट लो या मार लो, ले लो मेरा गाल तुम्हारे लिए हाजिर है। You've gone crazy. मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। प्लीज 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 प्लीज। अच्छा मैं तैयार हो जाऊं? ओके, गुड आइडिया, गुड आइडिया। हां भाई, मगर बुला, क्या हाल है यार? मुझे जरा प्राइवेसी चाहिए, समझा करना यार, जल्दी 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 जल्दी। थैंक यू बॉयज, थैंक यू सो मच। अब सुनो, जरूरी बात करनी मुझे। जी, माय डैड का एड्रेस चाहिए। सॉरी यार, आई एम सो एक्साइटेड, मैं तुम्हें बताना भूल गया। वो मेरे जो बड़े भाई हैं ना, वो दुबई जा रहे हैं बिजनेस के सिलसिले में, तो वो चाह रहे थे कि वो तुम्हारे डैड से मिलकर हमारे रिश्ते की बात। दैट्स ग्रेट, आई नो। कब जा रहे हैं वो? कल सुबह की फ्लाइट है यार।
क्या हुआ? डैड नहीं मिल सकते इतनी जल्दी में। क्यों? यूएसए में है ना मेरे डैड, इसलिए। बस ओह नो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। कब आ रहे हैं वो यूएसए से वापस? बताया नहीं उन्होंने मुझे। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, एक आइडिया है मेरे पास। तुम क्या उन्हें अभी कॉल कर सकती हो? हेलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ ना, क्या तुम अभी उन्हें कॉल कर सकती हो? बल्कि कॉल करो यार, लेकिन यूएस है वो, वहां पे तो रात हो रही होगी, सो रहे होंगे वो अभी, और दवाई लेके सोते हैं। मैं, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगा, बट यू डोंट वरी, मैं कर लूंगी। नोटिस बोर्ड नहीं देखा आज मैंने सुबह से, मुझे वफा एक सेकंड नीचे नोटिस बोर्ड पे जाना है अभी मैं कोई बात नहीं सुनता। मेरी बात सुनो यार, आई एम रियली सीरियस। अपने डैड को फोन करो और बोलो यूएसए से सीधा पाकिस्तान आ जाए, उनका मेरी फैमिली से बात करना बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है मॉम ने क्या फैसला किया? वो चाहती है हमारे निकाह की तकरीब सादगी से अदा की जाए, जहेज की कोई लिस्ट नहीं बनेगी। ये बात तुम्हारे डैड को बताना जरूरी है। मीसम, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं अपने डैड की इकलौती बेटी हूँ, सादगी से। What are you talking about? तुम्हें अंदाजा भी है मेरी मॉम कितनी रिलीजियस है? अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी। हाँ चलो ठीक है, उन्हें उनसे बात करो एंड टेल हिम कि पाकिस्तान फौरन आए। पाकिस्तान तो नहीं आ सकते डैड। क्या मतलब, क्यों नहीं आ सकते पाकिस्तान? आफ्टर ऑल ये उनका होमलैंड है। आई नो, बट तुम समझ नहीं रहे। क्या नहीं समझ रहा मैं? नहीं भाई, जरा मुझे बताओ कि मैं घर जाकर क्या बोलूंगा अपनी मॉम से, कि अगर वो तुम्हारे डैड से मिलना चाहती हैं तो उनको यूएसए जाना पड़ेगा। ये मतलब बिल्कुल, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लिसन टू मी, ठीक है, प्लीज लिसन टू मी, आई एम रियली सीरियस। अगर तुम्हारे डैड मेरे भाई और मेरी मॉम से नहीं मिले ना, तो फिर हमारे रिश्ते में रुकावट आएगी एंड आई डोंट वांट दैट। तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, मैं सब हैंडल कर लूंगी, डैड से भी बात कर लूंगी, उन्हें बुला भी लूंगी, तुम बस रिलैक्स करो। हाँ तुम्हें क्या बताऊं, मेरा बस नहीं चलता कि मैं समय को यहीं रोक के ना पाऊं। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी मुझसे जाने की इजाजत मांगो यार, मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। आई एम रियली सीरियस अबाउट यू, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम ना हो ना, मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। आज कह दिया, आइंदा ऐसी बात मत करना। मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी नाराजगी तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी जुदाई नहीं। अच्छा पता है मीसम, तुम्हारी चाहत में ना मैं सब कुछ भूल गई हूँ सवाए अपनी जात के। अब तो सिर्फ तुम्हारी जात ही मेरी जिंदगी का हिस्सा है वफा, मैं किसी सूरत खुद से दूर नहीं होने दूंगा। लोग देख रहे हैं सर। ओके पूरे शहर में तुम्हें यही जगह मिली थी, हम कहीं नहीं गए। नहीं 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 कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, सब देखती रहती, कुछ लेती नहीं। तो यार शिजा थोड़ा सा नहीं, ये वफा है ना? हाँ ये तो वफा है, पर ये यहाँ क्या कर रही है? वो भी रिक्शे में। चलो चलो इसे फॉलो करते हैं।